हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लाइम सोडा मेथड टू रिमूवल ऑफ हार्डनेस। देखिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हार्डनेस को डिटरमाइन कैसे किया जाए। हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए हमने मेथड यूज़ लिया था EDTA मेथड। अब EDTA मेथड से हमें पता लग गया कि हमारे वाटर सैंपल में कितनी हार्डनेस प्रेजेंट है। मगर अगर हमारे वाटर सैंपल के अंदर हार्डनेस 400, 500, 800 ppm तक आ गई तो उसे रिमूव भी तो करना होगा। तो इसी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जो मेथड यूज में लिया जाता है, उनमें से एक मेथड है हमारे पास में लाइम सोडा मेथड। हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। RTU का फेवरेट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनता है, बहुत सारे रिएक्शन है, लेकिन एकदम सिंपल तरीके से आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एक बार, सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए लाइम क्या होता है और सोडा क्या होता है। देखिए लाइम का फॉर्मूला होता है आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास में होता है बच्चों लाइम। और सोडा आप लोगों के पास में क्या होता है, सोडा होता है Na2CO3। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो होता है लाइम और Na2CO3 हमारे पास में होता है सोडा। ठीक है, दोबारा मैं बता रही हूँ ये मेथड हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये मेथड हम पढ़ रहे हैं हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, EDTA मेथड में हम हार्डनेस डिटरमाइन करते हैं, लाइम सोडा मेथड में हम हार्डनेस को रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव कर देंगे, हम पानी के अंदर जो भी हमारा हार्ड वाटर है उसमें दो केमिकल यूज लेंगे। एक है आपके पास में लाइम और दूसरा है आपके पास में सोडा। ये दोनों केमिकल जब पानी में जाएंगे, जब हम इनको पानी में ऐड करेंगे, तो ये पानी में प्रेजेंट हार्डनेस से रिएक्शन करके उसे चेंज कर देंगे या तो कैल्शियम कार्बोनेट में, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट हाईली इंसॉल्युबल होता है वाटर में, मैंने आपको बताया था, या चेंज कर देंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। मतलब मैग्नीशियम की हार्डनेस तो किस में कन्वर्ट करनी है हमें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। कैल्शियम की हार्डनेस को किस में कन्वर्ट करना है, कैल्शियम कार्बोनेट में। दोनों प्रेसिपिटेट बनेंगे, प्रेसिपिटेट बन के बॉटम पे आ जाएंगे, पानी को फिल्टर कर लेंगे और हार्डनेस को ईजिली रिमूव किया जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे कंप्लीट प्रोसीजर पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सारी रिएक्शंस देखना। पहले शुरू करते हैं हम टेम्परेरी हार्डनेस से। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम। सबसे पहले हम शुरू करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम किसकी वजह से होती है, दोबारा हम रिवाइज करते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमारे वाटर में प्रेजेंट है तो किससे रिएक्शन करेगा, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करेगा लाइम से। किससे रिएक्शन करेगा, लाइम से। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CaCO3 प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में H2O बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें कैल्शियम की किसी भी तरह की हार्डनेस है हमें किस में कन्वर्ट करना है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट हाईली इंसॉल्युबल होता है वाटर में और इसका क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगर इसी तरीके से कैल्शियम की कौन सी हार्डनेस प्रेजेंट है, टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस कैल्शियम कार्बोनेट, तो भी आपको किसको यूज़ लेना है, लाइम को। तो अगर टेम्परेरी हार्डनेस और कैल्शियम प्रेजेंट है तो आपको क्या यूज़ लेना होगा बच्चों, ऑल टाइम आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी लाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम होती है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से। तो यहाँ पे लिखते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर आपके वाटर में प्रेजेंट है या मैग्नीशियम कार्बोनेट आपके वाटर में प्रेजेंट है तो क्या यूज़ होता है बच्चों, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करता है लाइम से। लेकिन यहाँ पे लाइम के कितने मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, दो मॉलिक्यूल लाइम के यूज़ आते हैं और आपके पास में क्या बन जाता है, मैंने बताया था आपको हमें मैग्नीशियम की हार्डनेस को किस में कन्वर्ट करना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या बनता है, प्रेसिपिटेट और ये बॉटम पे आ जाती है। इसके अलावा क्या बन जाएगा, CaCO3 को इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर आपके वाटर के अंदर मैग्नीशियम की टेम्परेरी हार्डनेस प्रेजेंट है, चाहे वह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो या वो मैग्नीशियम कार्बोनेट, दोनों ही केस में हमें क्या यूज़ में लेने हैं, लाइम। लेकिन लाइम के कितने मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे आ जाएगा टू मॉलिक्यूल लाइम। समझ में आया,
कैल्शियम की हार्डनेस को हमें कन्वर्ट करना है कैल्शियम कार्बोनेट में और मैग्नीशियम की हार्डनेस को हमें कन्वर्ट करना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। इसके बाद आते हैं हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, किसकी वजह से होती है परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम क्लोराइड, बताया था मैंने आप लोगों को। कैल्शियम क्लोराइड अगर आपके वाटर में प्रेजेंट है, किससे रिएक्शन करेगा? लाइम से नहीं, सीधे किससे रिएक्शन होगी? सोडा से। समझ में आई बात? क्या बन जाएगा? CaCO3 प्रेसिपिटेशन हो गया और वाटर में क्या आ गया? सॉल्ट आ गया। यानी क्या यूज हो रहा है? सोडा। क्या यूज हो रहा है बच्चों? सोडा। तो कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस में क्या यूज होता है? सोडा। ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट आपने ले लिया, अगेन रिएक्शन किससे? सोडा से, और क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में Na2SO4। यानी क्या यूज हो रहा है बच्चों? सोडा। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस होती है कैल्शियम नाइट्रेट की वजह से। उस रिएक्शन को आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम। परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम किसकी वजह से होती है? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अगर आपके वाटर में मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है तो क्या होगा? देखिए, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, सबसे पहले ये रिएक्शन करेगा किससे? लाइम से। किससे रिएक्शन करेगा? लाइम से। लाइम से इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा? MgOH2, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट, और साथ में क्या बन गया? साथ में बन गया CaCl2। देखिए, CaCl2 बन गया। और बच्चों बताओ, ये CaCl2 क्या है? क्या है CaCl2? CaCl2 इज द परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम। ये देखिए, दिख रहा है सभी को? अब ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम है, और कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस के लिए हमने क्या यूज लिया था? सोडा। तो मैं ये कह सकती हूँ, यहाँ पे हम क्या यूज ले लेंगे? सोडा। तो यानी मैं कह सकती हूँ कि मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस में क्या कंज्यूम होता है? मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस में कंज्यूम होता है लाइम प्लस सोडा। चाहे वो मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस MgCl2 की प्रेजेंस में हो, MgNO3 होल ट्वाइस की प्रेजेंस में हो, मैग्नीशियम सल्फेट की प्रेजेंस में हो। आप चाहो तो हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। MgSO4 हमने लिया, MgSO4 प्लस, ये देखिए, सबसे पहले लाइम से रिएक्शन होगी, क्या बन गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या बन जाएगा आपके पास में? CaSO4। CaSO4 क्या है? परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम। वापस क्या यूज होगा? सोडा। यानी क्या यूज हो गया? लाइम प्लस सोडा। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम क्या यूज होता है? लाइम। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम क्या यूज होता है? टू लाइम। परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम क्या यूज होता है? सोडा। और परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम क्या यूज होता है? लाइम प्लस सोडा। ये आपको याद रखना है, ये कहाँ काम आने वाला है मैं आपको भी बताऊंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए बच्चों, मैग्नीशियम नाइट्रेट की भी होती है परमानेंट हार्डनेस, उसकी रिएक्शन आप लोग मुझे करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब मैं आपको बताऊं बच्चों, क्या पानी में लाइम और सोडा डालने से पहले हम उसे कह के भेजते हैं कि लाइम और सोडा को सिर्फ और सिर्फ किससे रिएक्शन करनी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट से। बिल्कुल नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी आपका लाइम और आपका सोडा, ये दोनों तो केमिकल्स हैं, इन्हें पानी में जो भी मिलेगा जिससे ये रिएक्शन कर सकते हैं ये उन सबसे रिएक्शन करेंगे। सॉल्ट्स के अलावा या हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स के अलावा ये वाटर में अगर CO2 प्रेजेंट है उससे भी रिएक्शन करेंगे, HCl प्रेजेंट है उससे भी रिएक्शन करेंगे, तो ये कंप्लीट रिएक्शन हमें पढ़नी होगी। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपके वाटर में क्या प्रेजेंट है? HCl अगर आपके वाटर में प्रेजेंट है, या H2SO4, ये दोनों एसिड अगर आपके वाटर में प्रेजेंट है, तो देखिए क्या होगा। HCl, इसकी रिएक्शन सबसे पहले किससे होगी बच्चों? वापस लाइम से। लाइम से रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा? CaCl2 प्लस H2O। दिख रहा है आप लोगों को? बैलेंस कर देंगे हम रिएक्शन को। ठीक है, ये बैलेंस कर दिया। CaCl2 क्या है आपके पास में? अगेन परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम। परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम के लिए क्या यूज होता है बच्चों? सोडा। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? अगेन लाइम प्लस सोडा। तो जब भी हम वाटर में लाइम और सोडा ऐड करते हैं, वो वाटर में प्रेजेंट हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स के अलावा वाटर में प्रेजेंट एसिड से भी रिएक्शन करते हैं।
HCl की रिएक्शन मैंने आपको बता दी, H2SO4 की रिएक्शन आप मुझे बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके वाटर के अंदर प्रेजेंट है बच्चों CO2, क्या प्रेजेंट है? CO2। CO2 अगर पानी में प्रेजेंट है तो लाइम की तो नेचर है किससे रिएक्शन करने की, CO2। कब से ये रिएक्शन बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट का इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा बच्चों? H2O। यानी कि अगर वाटर में CO2 प्रेजेंट है और वाटर में CO2 प्रेजेंट होती है तो लाइम डालने पर लाइम 100% रिएक्शन करेगा। और किसका यूज हुआ यहाँ पे भी? सिर्फ और सिर्फ लाइम का, ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके वाटर के अंदर कहीं से भी पानी, कहीं से भी आ सकता है पानी, मान लीजिए कोई अंडरग्राउंड वाटर आ रहा है जहाँ पे हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स प्रेजेंट थे, तो वाटर में वो भी डिजॉल्व रहेंगे। अगर वो डिजॉल्व है तो अगर आपने लाइम सोडा ऐड किया तो वो 100% रिएक्शन करेंगे। तो इफ़ योर वाटर कंटेन एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या प्रेजेंट है आपके वाटर के अंदर? एल्यूमिनियम सल्फेट अगर प्रेजेंट है क्या होगा? लाइम और सोडा रिएक्शन करेंगे। कैसे करेंगे? ये है एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। पहले, सबसे पहले रिएक्शन किससे होगी? लाइम से। क्या बन जाएगा बच्चों? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट, और साथ में क्या बन जाएगा? CaSO4। अगेन CaSO4 इज द परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम, तो क्या यूज होगा वापस से? लाइम प्लस सोडा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके वाटर के अंदर प्रेजेंट है Fe4.7H2, ठीक है, क्या होगा? ये आपका FeSO4.7H2O रिएक्शन करेगा किससे? लाइम से। रिएक्शन करके क्या बन जाएगा? FeOH होल ट्वाइस जो भी आप बनाना चाहें, होल ट्वाइस हम यहाँ देख लेते हैं, इसका प्रेसिपिटेट, और साथ में क्या बन गया? CaSO4। एंड वॉट इज CaSO4 अगेन? परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम, तो वापस यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? लाइम प्लस सोडा, ठीक है बच्चों। ये आपको याद रखना है, मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ। सबसे पहले टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम लाइम, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम 2 लाइम, परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम सोडा, परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम लाइम प्लस सोडा, CO2 के केस में सिर्फ लाइम, HCl H2SO4 लाइम प्लस सोडा, एल्यूमिनियम सल्फेट लाइम प्लस सोडा, आयरन सल्फेट लाइम प्लस सोडा। आप देखेंगे इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस को छोड़ के सब जगह लाइम यूज हो रहा है। सिर्फ कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस ऐसी है जहाँ पे सिर्फ क्या यूज हो रहा है बच्चों? सोडा। और ये पूरी रिएक्शन सब कुछ आप लोगों को अच्छे से याद करना है, ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगर आपके वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करेगा किससे? लाइम से। और लाइम से रिएक्शन करके क्या बनेगा? CaCO3 प्लस Na2CO3 प्लस H2, ठीक है। अब देखिए बच्चों, CaCO3 प्रेसिपिटेट हो गया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, क्या है सोडियम कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट है आपके पास में सोडा, ठीक है। यानी आप देखेंगे जब अगर आपके वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है या बाइकार्बोनेट्स इम्प्योरिटी की फॉर्म में प्रेजेंट है तो लाइम तो यूज हो रहा है लेकिन बन क्या रहा है पानी में? सोडा। तो यानी कि आपको लाइम को तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? प्लस। लेकिन सोडा को क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस, क्योंकि यहाँ पे सोडा आपको मिल रहा है वाटर के अंदर, समझ आया आप लोगों को? लाइम को आपको करना पड़ेगा प्लस लेकिन सोडा आपको करना होगा माइनस, ठीक है। तो बच्चों अगर आपके वाटर के अंदर सोडियम मेटाल्यूमिनेट प्रेजेंट है तो क्या होगा? सोडियम मेटाल्यूमिनेट ना लाइम से रिएक्शन करता है ना सोडा से, वो वाटर से डायरेक्टली रिएक्शन करता है। तो देखिए रिएक्शन किस तरीके से होती है। ये है सोडियम मेटाल्यूमिनेट। सोडियम मेटाल्यूमिनेट अगर आपके वाटर में प्रेजेंट है तो ये वाटर से रिएक्शन करके बनाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट, और साथ में क्या बन जाएगा? NaOH। और देखिए बच्चों NaOH में फंक्शनल यूनिट क्या है? OH-, और आपके लाइम की भी फंक्शनल यूनिट क्या होती है? लाइम होता है CaOH होल ट्वाइस, इसकी भी फंक्शनल यूनिट क्या होती है? हाइड्रोक्साइड। क्योंकि आपका लाइम भी बेस है और NaOH भी बेस है तो हम क्या कह सकते हैं, ना हमें लाइम ऐड करना है ना सोडा, बल्कि हमें लाइम क्या करना होता है? माइनस करना होता है।
तो जब भी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्रेजेंट होता है हमें लाइम को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अगर आपके वाटर के अंदर सबसे पहले कैल्शियम की टेम्परेरी हार्डनेस प्रेजेंट है लाइम, मैग्नीशियम की टेम्परेरी हार्डनेस प्रेजेंट है टू लाइम, कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट है सोडा, मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट है लाइम प्लस सोडा, CO2 प्रेजेंट है लाइम, अगर आपके वाटर में HClH2SO4 प्रेजेंट है लाइम प्लस सोडा, फेरस सल्फेट प्रेजेंट है आयरन सल्फेट लाइम प्लस सोडा, एल्यूमिनियम सल्फेट प्रेजेंट है लाइम प्लस सोडा, वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है लाइम प्लस सोडा माइनस, अगर वाटर में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्रेजेंट है हमें लाइम को क्या करना है, माइनस, ना सोडा ऐड करना है ना लाइम ऐड करना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको याद हो गया होगा, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। बच्चों आई थिंक आपको याद हो गया होगा कि कहाँ लाइम यूज होता है और कहाँ सोडा, और इस लाइम और सोडा का जहाँ यूज होता है उससे हम दो फॉर्मूले डिटरमाइन करेंगे, दो फॉर्मूले हमारे सामने आएंगे। देखिए सबसे पहले आएगा हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, कोई वाटर सैंपल है उसमें अगर हार्डनेस प्रेजेंट है या किसी भी तरह के हैवी मेटल सॉल्ट प्रेजेंट है, उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जब हम लाइम सोडा ऐड करते हैं तो हमें कितना लाइम और सोडा उसमें ऐड करना है। न्यूमेरिकल जब मैं आपको बताऊंगी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, फिलहाल आप फॉर्मूला समझिए। ठीक है, तो रिक्वायर्ड लाइम आपके पास ये हो जाएगा, फॉर्मूला बनता है 74/100। ये 74 क्या है, मॉलिकुलर वेट ऑफ लाइम। ठीक है, अब हमें लिखना है लाइम कहाँ कहाँ यूज हुआ था, यानी हम थर्ड टाइम रिवाइज कर रहे हैं। लाइम यूज हुआ था टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम, आप लोग अपनी कॉपी में अपने आप लिखेंगे, साथ में दो लाइम यूज हुए थे टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम, कितने लाइम यूज हुए थे, टू लाइम। ठीक है, टू को मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद लाइम कहाँ यूज हुए थे, सिर्फ लाइम एक जगह यूज नहीं हुआ था, परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम में। ठीक है, तो देखिए इसके बाद परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम में लाइम यूज हुआ था, इसके बाद आपका लाइम जो था CO2 में यूज हुआ था, उसके बाद लाइम कहाँ यूज हुआ था, एसिड HCl हो या H2SO4 हो तब भी लाइम यूज हुआ था, इसके बाद लाइम कहाँ यूज हुआ था, एल्यूमिनियम सल्फेट में यूज हुआ था, उसके बाद आयरन सल्फेट में भी लाइम यूज हुआ था, इसके बाद और लाइम कहाँ यूज हुआ था बच्चों, ये कंटिन्यूसली आपका फॉर्मूला चल रहा है, ये फॉर्मूला आपका कंटिन्यूसली चल रहा है। इसके अलावा लाइम कहाँ यूज हुआ था मुझे बताइए, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट में लाइम यूज हुआ था, बिल्कुल लाइम यूज हुआ था और सोडा हमें मिला था, तो लाइम हमें क्या करना है, साथ में लाइम मिला था हमें NaHCO3, और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में लाइम माइनस हुआ था तो NaAlO2 माइनस करना होगा हमें यहाँ से लाइम, ये हमारे पास में निकल के आ गया रिक्वायर्ड लाइम। ठीक है, इनटू आपको वाटर का वॉल्यूम दिया जाएगा, क्योंकि आपको बताया जाएगा कि 10,000 मिलीलीटर 10,000 लीटर 20,000 लीटर वाटर को आपको सॉफ्ट करना है, तो यानी आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और साथ में आपको लिखनी होगी प्योरिटी ऑफ लाइम एंड सोडा। आपको कहा जा सकता है कि लाइम 80% प्योर है, सोडा 90% प्योर है, तो आपको क्या करना होगा, 100% प्योरिटी ऑफ परसेंटेज प्योरिटी ऑफ लाइम, ये फॉर्मूला आपके पास में बन के आएगा, और आप क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, रिक्वायर्ड लाइम, तो ये आपके पास में मिलीग्राम के अंदर आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इसको किलोग्राम में चेंज करना है तो 10^6 से आपको डिवाइड करना होगा। समझ आया बच्चों, ये फॉर्मूला आपको लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत बड़ा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको ये जो फॉर्मूला है ये यूज़ करना आ जाएगा। ठीक है, लाइम कहाँ कहाँ यूज़ हुआ था, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम, 2 × टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम, परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम, CO2, एसिड्स में यूज़ हुआ था, एल्यूमिनियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और माइनस हुआ था सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगर हमें निकालना है रिक्वायर्ड सोडा क्या हो जाएगा आपके पास में, 106/100। ये 106 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडा। ठीक है, अब सोडा आपका कहाँ कहाँ यूज हुआ था आप लोग बताएंगे मुझे, सबसे पहले सोडा हमने कहाँ यूज लिया था, क्या टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम में था, नहीं, क्या टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम में था, नहीं,
क्या परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम लेता? बिल्कुल। तो सबसे पहले परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम, इसके बाद सोडा कहाँ यूज हुआ था? परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम, इसके बाद CO2 में नहीं, इसके बाद HCl और H2SO4 के केस में। फिर कहाँ यूज हुआ था आपके पास में सोडा? एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, उसके बाद आयरन सल्फेट, ठीक है, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या यहाँ सोडा यूज हुआ था? नहीं। क्या यहाँ पे सोडा बना था, फॉर्म हुआ था? बिल्कुल। तो हमें माइनस करना है, माइनस NaHCO3 और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इस केस के अंदर ना लाइम यूज हुआ था ना सोडा यूज हुआ था, बल्कि लाइम बना था, तो बस यहाँ पे हमारा सोडा यूज हुआ था, ठीक है। इनटू सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड इनटू 100 अपॉन परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सोडा, और आपका आंसर किस में आ जाएगा, सॉरी यहाँ नहीं, और आपका आंसर आ जाएगा मिलीग्राम के अंदर, और अगर आप इसे किलोग्राम में चेंज करेंगे तो आप 10^6 से डिवाइड कर देंगे। आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, कल के लेक्चर में हम लाइम सोडा से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसे पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।